हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त सीधे सफाई से जुड़े हैं। वीरेश, आज शिवपाल यादव से आपने बात की और जो उस बातचीत में उन्होंने साफ संकेत यही दिया, संदेश यही दिया कि जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको भुला दिया जाए, लेकिन क्या ये मतभेद और मनभेद की दीवार ढह सकती है? क्या कहना है वीरेश आपका? देखिए रोहित जी, सैफई के जर्रे जर्रे से ये आवाज उठ रही है, इटावा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, बदायूं के जर्रे जर्रे से ये आवाज उठ रही है कि शिवपाल और अखिलेश यादव को एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये आवाज दब जाएगी किसी कसक में। और ये अंतिम इच्छा है मुलायम सिंह यादव की। इस बात का एहसास सैफई के गली चौबारे में हर तरफ गूंज रही थी। लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं एक हो जाना चाहिए। अगर इस युग पुरुष की अंतिम इच्छा को परिवार के लोग नहीं समझ रहे हैं तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? बेटे को समझना चाहिए, भाई को समझना चाहिए। ये सवाल, ये जज्बाती सवाल जब शिवपाल यादव से मैंने पूछा तो वो निरुत्तर थे, निःशब्द थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया था, मैंने तो मान लिया था, मैंने तो नेता मान लिया था, मैंने तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, मैंने तो मुख्यमंत्री भी मान लिया था, अपना नेतृत्व भी अखिलेश को दे दिया था, मैंने तो एक सीट पर समझौता कर लिया था। लेकिन जब रिजल्ट निकला और बैठक हुई और वहां मुझे नहीं बुलाया गया, तो मैं जब गया वहां पर तो पूछा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो मुझे कहा गया कि आप तो गठबंधन के नेता हैं, आप सपा के विधायक नहीं हैं। तो शिवपाल ने बहुत बड़ी बात कही है। ये इतनी बड़ी बात है, मेरी जो समझ है उस लिहाज से रोहित जी, शिवपाल ने कहा अखिलेश यादव से कि अच्छा, मैं गठबंधन का नेता हूँ, मैं गठबंधन का नेता हूँ। अगर मैं गठबंधन का नेता होता तो एक सीट लेता, मैं सौदा करता, मैं समझौता नहीं करता, मैं सौदा करता, सौदेबाजी करता, और मुझसे छोटे कद के लोग 18-19 सीट लेकर आपसे चले गए और मैं केवल एक सीट पर लड़ता, जसवंत नगर से लड़ता, मेरा बेटा नहीं लड़ता, मेरे समर्थक नहीं लड़ते, मेरे प्रदेश अध्यक्ष नहीं लड़ते, मेरे राष्ट्रीय महासचिव नहीं लड़ते, मेरे बड़े नेता नहीं लड़ते, बहुत बड़े बड़े मेरे साथ नेता थे वो नहीं लड़ते, मैं केवल एक सीट पर लड़ता, मैं गठबंधन का नेता हूँ, मैं गठबंधन के साथ हूँ, मैं सपा का विधायक नहीं हूँ, आपने मुझे गठबंधन का नेता समझ लिया, मैं गठबंधन के नेता के तौर पर अगर आपसे बात करता तो सौदेबाजी करता, सौदा करता, नहीं मैंने वो नहीं किया था। मैं तो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैं सोचा कि आखिर ये क्या कहा जा रहा है मुझे। ले इस बात का एहसास ये है कि शिवपाल यादव अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मैनपुरी की सीट है जहां अब से 6 महीने बाद चुनाव होना है, बड़ा विकट होगा, वो चुनाव भी देखने लायक होगा। और ये चुनाव जिस तरीके बिल्कुल वीरेश मैं इस पर आपके पास आऊंगा, अभी मैं आपको रोकता हूं, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को यहां बता दें कि अखिलेश यादव ने आज एक भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। इसके जरिए उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की कि पिता के नहीं होने का गम क्या होता है, कैसे जीवन से सूरज का प्रकाश अचानक दूर हो गया। उन्होंने खुद की एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो मुलायम सिंह यादव की चिता भस्म के सामने खड़े थे। ये तस्वीर अपने आप में एक बड़ा संदेश है। शोकाकुल परिवार को अखिलेश इसी तरह भावनाओं का संबल दे रहे हैं, सबके साथ दुख बांट रहे हैं, पूरा वक्त बिता रहे हैं। तो ये तस्वीर सुबह की है, आप देख सकते हैं अखिलेश यादव को इस तस्वीर में साफ तौर पर। या तो ये तस्वीर कई कहानियां बयां कर रही है, तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जिस तरह से ये भावुक ट्वीट किया।
मुलायम सिंह यादव के निधन से समाजवादी सियासत में एक शून्य पैदा हो गया है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। मुलायम अब नहीं है, परिवार के मुखिया का साया सबके सिर से उठ चुका है, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर पूरा मुलायम परिवार एकजुट दिखता है। सिर्फ परिवार ही नहीं, गांव भी साथ है। कोशिश एक दूसरे का दुख बांटने की है, उस विरासत को संभालने की है जिसे नेताजी ने वर्षों के संघर्ष से संवारा था। अखिलेश यादव बेटे का कर्तव्य निभा रहे हैं, परिवार के हर सदस्य को संभाल रहे हैं, सैफई आ रहे नेताजी के तमाम चाहने वालों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश यादव और सैफई परिवार के तमाम सदस्य उन तमाम परंपराओं को निभा रहे हैं जो कि सनातन संस्कृति का हिस्सा है। परंपरा के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने बालों का मुंडन कराया, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के तमाम सदस्यों ने मुंडन कराकर शुद्धिकरण किया। इस दौरान सैफई के ग्राम प्रधान वाल्मीकि नेताजी को याद कर भावुक हो गए। हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग अभी फिलहाल अंधेरा ही अंधेरा है, प्रभु क्या करे देखेंगे भविष्य में, लेकिन आज तो हम लोग सभी दुखी, हमारे गाँव के सभी लोग दुखी हैं और नेताजी ने हमें अपने छोटा भाई माना था, आज मैं उनके चरणों में अपने को समर्पित करता हूँ और जो भी कारा धुरे छोड़ गए हैं उनमें जब तक मैं जीऊँगा अखिलेश यादव जी का साथ दूंगा, समाजवादी पार्टी के साथ ही सारा जीवन बिताऊंगा। परिवार के लिए ही नहीं सैफई गांव के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा अभिभावक की भूमिका में रहे, ऐसे में उनका न होना हर किसी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। आप देखे होंगे कि ये स्थल वही है, पांडाल वही है, घर वही है, वो सैफई गाँव वही है, बस यही है कि नेताजी नहीं है। हम लोगों के बीच में कोई भी कार्यक्रम होता था आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी अगुवाई के कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं होता था। ये बड़े दुख की बात है, हम लोग नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। नेताजी के निधन से अखिलेश यादव की जिम्मेदारियां बड़ी हो चली हैं, उन्हें परिवार को संभालना है, सबको साथ लेकर चलना है और मुश्किल वक्त में ये साबित करना है कि वो अपने हिस्से आई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।